नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक लखनऊ में आयोजित होने वाला यह एक्सपो प्रदर्शनी लगाने वालों की संख्या, आयोजन क्षेत्र और राजस्व प्राप्ति के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी रक्षा एक्सपो होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैली होने वाली है। माना जा रहा है कि सोनिया के अस्वस्थ होने के कारण उनकी जगह प्रियंका इस सभा को संबोधित कर सकती है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन आज से आम लोगों के लिए खुल गया है, जहां लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुगल गार्डन की सैर कर सकेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को छोड़कर 8 मार्च तक दर्शक निःशुल्क मुगल गार्डन की सुंदरता को निहार सकते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को 7 माह बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के दर्जे का प्रमाण पत्र 5 फरवरी को मिल जाएगा, जहां यूनेस्को के महानिदेशक ऑल्ड्रो ऑजेलो यह प्रमाण पत्र देंगी। गौरतलब है कि पिंक सिटी को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज हैमिल्टन के सिडॉन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। गौरतलब है कि T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत टीम की कोशिशें अब वनडे में भी न्यूजीलैंड की टीम को हराने की होगी। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के जंगपुरा में चुनावी सभा में भाजपा और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा और कहा कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार देने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को 5 फरवरी दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री के दावेदार का नाम घोषित करने की चुनौती दी है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो बीजेपी के सीएम फेस से किसी भी तरह के चर्चे के लिए तैयार हैं। इंडियन रेलवे 10वीं पास युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर दे रहा है, इसलिए जो उम्मीदवार रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने कुल 3,553 पदों पर भर्तियां निकाली है, जहां इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2020 है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीनियर कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने पर समीर ने कहा कि पीएम मोदी के काम को देखकर मैंने बीजेपी में जाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली में 8 फरवरी को लोकसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पूरा समर्थन साइनबाग को है। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को नतीजे आते ही साइनबाग भी धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। सीआरपीएफ के नए डीजी डॉक्टर एके महेश्वरी ने जवानों और अफसरों के साथ मन की बात करने का प्लान बनाया है। दरअसल दिल्ली स्थित बल मुख्यालय के साथ जवानों का नियमित संपर्क बना रहे और उनकी दिक्कतों का अविलंब समाधान हो, इसके लिए अब नई व्यवस्था शुरू की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपके घोषणा पत्र पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल जी, आपने पूरी दिल्ली में वाईफाई और 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था, लेकिन आज तक लोग वाईफाई के सिग्नल और सीसीटीवी का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा कि साइनबाग क्या है, यह आपकी रचना है। आप ऐसे काम करेंगे तो पूरा देश साइनबाग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप रचनात्मक चीजें लाते तो हम आपको झुककर सलाम करते, लेकिन आप सही चीज नहीं लाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल दिल्ली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गद्दारों का साथ देने वाले भी गद्दार हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वैलेट की ताकत पहचानिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। जेएमएम के स्थापना दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन धनबाद के ऐतिहासिक गोल ग्राउंड पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सियाचिन, डोकलाम और लद्दाख जैसे इलाकों में सैनिकों के पास उपकरणों और राशन की कमी की खबर पर सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। लोकसभा में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान गुजरात समेत विभिन्न क्षेत्रों में 6274 गांव के लोग फसलों के टिंडों से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों और किसानों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 25 सीट आपने एनडीए को दी है तो मुआवजा भी दिल्ली से लें। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि सरकार स्किल इंडिया की बात तो करती है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन पर रोक लगाने में इतनी व्यस्त है कि स्टैंड अप इंडिया का कोई जिक्र ही नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का नाम वास्तव में सिट डाउन इंडिया और सेट अप इंडिया होना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जेएनयू और साइनबाग जैसे मसले पर सरकार चुप रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का वादा है कि जैसे देश बदला है वैसे भी दिल्ली भी बदलेगा।
कोलकाता के राजा बाजार के एक मदरसे में 63 बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर बच्चों का कहना है कि मदरसे में गलत बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के द्वारका में रैली की, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले और 4 दिन पहले भाजपा के पक्ष में ऐसा माहौल बना है कि कई लोगों की नींद उड़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कैंट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा असम के साथ खड़ा है और असम को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 1 लाख से अधिक शिक्षकों के तबादलों में सिफारिशों का खेल जल्द ही समाप्त हो जाएगा। दरअसल नए शैक्षणिक सत्र में सॉफ्टवेयर से ही शिक्षकों को स्टेशन मिलेंगे। बताया जा रहा है कि नई तबादला नीति तैयार हो गई है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो दिल्ली में बेटियों को हम पीएचडी तक फ्री शिक्षा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार के आने के बाद न्याय योजना के जरिए दिल्ली के 5 लाख बीपीएल परिवारों को हमारी सरकार सालाना 72,000 रुपए देगी। बिहार के मधुबनी जिले में जनगणमन यात्रा के दौरान 5वें दिन भी मधुबनी जिले में सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर सभाओं का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इन सभाओं में बड़ी मात्रा में लोग शामिल हुए। हरियाणा के करनाल जिले से विधायक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्वाचन को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सीएम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार रहे रमेश खत्री ने हाईकोर्ट को बताया कि मनोहर लाल जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कल फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को मुंबई में किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया। कल मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो मुंबई की वहीदा रहमान के निवास पर पहुंची और उन्हें मध्य प्रदेश शासन के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखवाल बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में परिवहन अधिकारियों ने नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि चंदौसी के एक रोडवेज कर्मी ने अपने बेटे का विवाह राष्ट्रवाद को समर्पित कर दिया। इस विवाह में दूल्हा तिरंगे रंग की पगड़ी पहना हुआ था तो वहीं दुल्हन तिरंगे फूलों से बनी जयमाला पहनी नजर आई। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा के चरखारी ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 39 जोड़ों की शादी करवाई जा रही है। ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि निर्भय सिंह ने बताया कि ये सामूहिक विवाह की 5वीं वर्ष है जिसमें 39 जोड़ों की शादी की जा रही है। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो घंटी है उसके ऑल ऑप्शन को जरूर दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।